नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर सहारा न्यूज। शुरू करते कुछ खास खबरों की तरफ। देश की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां निर्माण एवं उत्खनन इत्यादि कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण करती है, बदले में उन्हें वनों का विकास करना होता है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने आज इंदौर में कहा कि ऐसी सभी कंपनियां मध्य प्रदेश आकर वन विकास निगम के माध्यम से वनों का विकास कर सकती हैं और बदले में कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं। अभी हाल में इस संबंध में विभिन्न कोयला कंपनियों और अंडमान निकोबार द्वीप के प्रशासन से चर्चा हुई है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने आज इंदौर में वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर वन विकास निगम के MD अभय पाटिल, अपर प्रबंधक संचालक कैप्टन AK खरे, क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक सुदीप सिंह, संभागीय प्रबंधक चरण सिंह, वन संरक्षण AK मेहता, वन मंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी CK चंपावत सहित वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि दूसरे ऐसे प्रदेश जहां वन लगाने की जगह नहीं है, वहां की कंपनी मध्य प्रदेश आकर वन विकास निगम के माध्यम से वन लगा सकती है। इंदौर में वन विकास निगम का आज नया कार्यालय हम यह शुभारंभ कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे MD साहब हैं पाटिल जी और हमारे सीनियर अधिकारी यहाँ पर सब उपलब्ध हैं। वन विकास निगम आधुनिक तरीके से वृक्षारोपण करते हुए और उनकी सुरक्षा पूरी करते हुए और आधुनिक विधि से वृक्षों को लगाता है और 5 साल 10 साल 15 साल उनकी रखवाली करता है। सामान्यतः आपको बता दूं, जो लोग वो काम करते हैं जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या कोयला की खदान है, बड़े बड़े रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जहां जंगल कटते हैं और जितने जंगल कटते हैं उतने और कई जगह उससे डबल जगह पर जंगल लगाने पड़ते हैं। वो लगाने वाले जंगल खराब ना हो, सुरक्षित रहें, उसकी रखवाली हो, उसमें पानी हो, और सामान्यतः हम वन विभाग में जो देखते हैं कि जहाँ हम 100 झाड़ लगाते हैं और 40% वृक्ष को भी हम लोग अच्छा मान लेते हैं, वहीं ये वन विकास निगम और मैं वन विकास निगम के चेयरमैन के नाते बात कर रहा हूँ कि 75 से 80% के बिना हम समझौता नहीं करते, क्योंकि हमें उस जगह झाड़ लगाना है जहाँ काटे गए, उसकी रखवाली, उसकी पानी हम वन विभाग से ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं और ज़्यादा पैसा भी लगाने में लेते हैं और ज़्यादा सुरक्षा में भी लेते हैं। और यही मापदंड हम भविष्य में वन विभाग में जो हम 30-40% में समझौता कर लेते हैं कि भाई ठीक है मिट्टी खराब है या फिर पानी नहीं दिया गया, हम उसको भी बढ़ाना चाहते हैं और वन विकास निगम के लेवल पर लाना चाहते हैं, ताकि इनके बताए हुए अगर आप क्लिपिंग में बताएंगे कि जहाँ इन्होंने वन लगाए हैं वो 75 से 80% अगर नहीं आया तो उस अधिकारी की हम तनख्वाह में से काटते हैं।